प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? नवंबर महीने की आपको शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत कार्य दिखाएंगे इस नवंबर महीने में। 10 चमत्कार परमेश्वर मुझे बोले और लिखवाए भी आपके सामने लिखे हुए हैं डायरी में मेरे। ये तो प्रार्थना करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ये लाइव प्रार्थना नहीं, ये रिकॉर्डेड प्रार्थना है, यानी कि कुछ घंटे पहले ही इसको बनाया गया है, और ताकि ये प्रार्थना हर जगह जा सके। तो जैसा प्रभु ने मुझे बोला वैसे मैं कर रहा हूँ। तो बहुत अद्भुत महीना होने वाला नवंबर का महीना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेह भविष्यवाणी 10 चमत्कार होना, ये सब आपकी योजना है, आपकी प्लानिंग है, और आपने मुझे बताया है हर भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होगी। ये पहली बार आपने ये भी वरदान दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप 2022 में पिता बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने लोग सुनेंगे वो आज अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे और विश्वास करेंगे। पिता मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजी, तो पहली बार 10 चमत्कार की भविष्यवाणी हो रही है। नाम की तो परमेश्वर करवाई है, लेकिन 10 चमत्कार नवंबर महीने में होंगे। 7 हुए थे मार्च के महीने में, 2021 की बात है जब परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया था। हालेलुया मेरे अजी, तो प्रभु बहुत सारे वरदान दे रहे हैं इस महीने, और देखना परमेश्वर इस 10 जो बड़े चमत्कार बोले आपकी लाइफ में होंगे वो बहुत अद्भुत है। प्रार्थना विषय बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन जो प्रभु ने दिया है वो बहुत कुछ है। हालेलुया, तो विश्वास करेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ये सारे चमत्कार आपके लाइफ में होंगे। और जो मैं आपको नंबर शो कराता हूँ व्हाट्सएप नंबर, देखो वो गवाहियों का प्रार्थना का है, लेकिन अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, अगर उसको रिप्लाई में देरी होती है, क्योंकि वो फ़ोन मैंने अपने टैबलेट में डाल रखा है, वो मैं ले जाता नहीं हूँ, घर में रखता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको रिप्लाई करने की, लेकिन टूर होने के कारण मैं काफ़ी चीज़ ऐसी है जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, ये भी बहुत बड़ा वरदान है परमेश्वर का, यह अभिषेक है, अनुग्रह है प्रभु का, कि प्रभु ने कहा है जो भी व्हाट्सएप पे कोई भी निवेदन भेजता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँच जाती है। मैं देखूँ ना देखूँ आपका जुड़ना ही काफ़ी है। हालेलुया, जैसे कि आप इस मिनिस्ट्री जुड़ चुके हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री नहीं मैं आपको अपना परिवार बोलता हूँ, और हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना और आश्चर्यकर्म होना सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग बढ़ रहे हो और बढ़ते जाओ, और इस मिनिस्ट्री में जुड़ने वाले हर एक इंसान सुपर ब्लेस होगा। और इसी महीने आपको अपनी गवाही देनी ही है, जो परमेश्वर ने मुझे 10 चमत्कार यानी कि 10 अद्भुत काम, वो काम जो अभी तक आपने देखे नहीं सुने नहीं होंगे वो आपकी लाइफ में होंगे। हालेलुया, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। एक वचन दिया है इसके लिए मुझे, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 48 वचन, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 48वां वचन। यीशु ने कहा, लिखा है, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। आज हो सकता है वचन पढ़ रहे हो, आज हो सकता है प्रार्थना भवन जा रहे हो, सब कुछ परफेक्टली कर रहे हो, आपने फास्टिंग नहीं छोड़ी, आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, प्रभु के घर जाना नहीं छोड़ा, लाइव प्रार्थना अटेंड करना नहीं छोड़ी, फिर भी कोई ना कोई चमत्कार अभी तक अद्भुत काम नहीं देखा है आपने, आपका घर नहीं बसा, आपकी शादी नहीं हुई, आपको चंगाई नहीं मिली, वो चीज प्रैक्टिकली है, वो होना लाइफ में जरूरी है। देखो मेरे जी, तो वचन 2 बार काम करता है, एक आत्मिक रूप से काम करता है कि मन में शांति हो जाती है कुछ हो ना हो, और एक काम करता है फिजिकली यानी कि देखने वाला। दो लाल समुंदर अलग कर दिया, सबने देखा ये है, और एक होता है मन का परिवर्तन, शाऊल का पौलुस वो भी देखा, लेकिन मन का परिवर्तन का है कि हमें प्रभु चेंज कर रहा है। लेकिन आज प्रभु ने खुद कहा है, यीशु मसीह ने, यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदम विश्वास ना करोगे। आज आपकी आंखें नहीं देख पा रही वो चिन्ह और अद्भुत काम, प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोलेंगे, और आज आप देखने वाले हो, इसी महीने देखने वाले हो चिन्ह और अद्भुत काम, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपका घर का बढ़े, आसपास के माहौल जितने भी आपके मोहल्ले में लोग हैं कॉलोनी में उन सब का विश्वास बढ़ेगा। वो कहेंगे यार अक्टूबर के महीने में तो दुखी थी, तो परेशान थी, तेरा नौकरी नहीं था, तेरा बिजनेस नहीं था, आज कैसे तुझे आशीष हो गई, तो कैसे फलवंत हो गई, कैसे चंगाई मिल गई, ये चिन्ह आप देखोगे, उसके बाद आप खुद गवाही दोगे। हालेलुया, जब वो 38 साल से बीमार था, जब परमेश्वर को मेंटली और फिजिकली ठीक करा तब उसकी गवाही सामने आई। तो खुदा खुद जानता है, परमेश्वर हमें खुद बताते हैं कि हमें चिन्ह और अद्भुत काम वही दिखाते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा फिर प्रार्थना करूंगा। यीशु ने उनसे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। और उसके बाद राजा का कर्मचारी ठीक हो गया, उसका विश्वास बढ़ गया। आज परमेश्वर का विश्वास भी पढ़ेंगे, और नवंबर का महीना यकीन मानना चमत्कारों का महीना है, और आप खुद
इस चिन्ह और अद्भुत कामों का महीना है और आप देखने वाले हो। हालेलुया। आइए पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन के द्वारा, तूने बुद्धि ज्ञान दिया, धन्यवाद करता हूँ। तूने आज इनको इसलिए बताया था कि इनका विषय टूट रहा था, जो मुझरा गया था, आज वो फलवंत होगा, आज बढ़ेगा और ये आज गवाही देने वाले इसी महीने 1 तारीख से 30 तारीख तक ये सभी लोग गवाही देंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने चमत्कार के लिए। और 10 सीरियल बाय सीरियल प्रभु ने मुझे, मैंने प्रभु से आत्मा में पूछा तो परमेश्वर मुझे चिन्ह के साथ दिखाता गया, मैं लिखता गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है जो परमेश्वर 10 चमत्कार मुझे दिखाए, 10 चिन्ह और अद्भुत काम है जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं कट रहा था। आप परफेक्टली चल रहे थे, एक्यूरेट चल रहे थे, फिर भी आप कहीं ना कहीं मन में ये था कि अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा। आज वो 10 काम परमेश्वर ने मुझे दिखाए है वो आपकी लाइफ में हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। आइए पहला में जाएंगे। पहला जो चमत्कार होने वाला है वो है लड़ाइयां बंद होगी आपके जीवन की। लड़ाइयां, जितनी भी लड़ाइयां है वो बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करते रहे तो पहला चमत्कार होगा, पहला अद्भुत काम होगा, लड़ाइयां बंद होगी, इनके शांति मिलेगी। हालेलुया। लड़ाइयां बंद होगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा जो चमत्कार है, जो अद्भुत काम है, पाप से, यानी कि पाप का मतलब बुरी आदत है जो आपके घर में है, आपके प्रियजन के पास है, बुरी आदत, नशे पदार्थ की, व्यभिचार की, गेम की, जितनी भी बुरी आदत है, गलत संबंध है, पाप से रिलेटेड जो भी चीजें वो बंद होंगी यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा मिलेगा उनसे। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये दूसरा अद्भुत काम होगा। तीसरा होगा शादियां इस महीने बहुत होगी, जो रुकावट है वो टूटेगी यीशु मसीह के नाम में, रिश्ते भी लगेंगे, तुरंत शादी होगी। हालेलुया। चौथा जो है बहन आपके बारे में पूर्ण बताया, वही जो आप कह रहे हो ना कि मेरे बारे में क्या है, चौथा वही है, टूटे रिश्ते एक होंगे, टूटे रिश्ते, चाहे पति पत्नी के हो, चाहे कोई भी टूटा रिश्ता हो, परमेश्वर एक करेंगे, यानी कि फिर जो एक टूटे रिश्ते, चाहे हो सकता है कि बाप बेटे से अलग हो गया हो, टूट गया हो रिश्ता, परमेश्वर एक करने वाले, टूटे रिश्ते एक होंगे यीशु मसीह के नाम से। चौथा अद्भुत काम देखोगे आप, संतान का सुख होगा इस नवंबर महीने में, संतान की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका ये सवाल है भाई एक महीने में संतान कैसे हो जाएगी, नहीं मेरे जी, तो संतान का सुख का मतलब है आज की डेट लिखना, 2022 नवंबर महीने की भविष्यवाणी है, उसी टाइम से हिसाब लगाना कि आपके 9 महीने कब हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर का महीना कंसीव करने वाला होगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। पांचवी अद्भुत काम देखोगे आप, जो हो सकता है आपको बांझ कह दिया हो, आपके पति में कमी हो, आपके अंदर कमी हो, डॉक्टर की रिपोर्ट आप पे दाता लगा, डॉक्टर की रिपोर्ट का सारे हॉस्पिटल में आप हार गए हो, लेकिन ये नवंबर का महीना सब कुछ कैंसिल कर रहा है आपके नेगेटिव को और पॉजिटिव बदला यीशु मसीह के नाम में। जो छठी जो अद्भुत काम देखोगे वो है गर्भवती महिला, जितनी भी गर्भवती महिला है जिनका टाइम इस महीने है, वो संतान को बड़े अद्भुत तरीके से जन्म देगी, यानी कि जो संतान इस महीने होने वाली है वो परमेश्वर का अभिषेक उस पर आएगा यीशु मसीह के नाम, वो चुने हुए होंगे यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। सातवां जो अद्भुत काम है, चर्च और परमेश्वर के दासों पे अभिषेक उतरेगा, जितने भी चर्च है आपके जहां जाते हैं परमेश्वर का अभिषेक और दास उसके परिवार के लिए इस पे अभिषेक उतरेगा। और चमत्कार देखोगे और चर्च का जो है वो ग्रोथ जाएगी इसी महीने, बड़े आश्चर्यक्रम आप देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, बोला आमीन। आठवां जो है देखो, आठवां भी प्रभु आपसे प्रेम करता है हर किसी के लिए, आठवां वो भविष्यवाणी है, वो अद्भुत काम है जो हर किसी के लिए, कैसे हर किसी के लिए, जो दान देते हैं उनकी उन्नति होगी। हालेलुया। इस बार जब आप दान दे रहे होंगे ना तो आप मुट्ठी बंद करना, परमेश्वर जो बोले आपको देना, क्योंकि इस महीने प्रभु ने कहा जो दान देते हैं उनकी उन्नति होगी, इस महीने वो फलवंत होने वाले, पूरी पूरी भरपूरी के साथ आप काटने वाले यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करूंगा आपके हाथों पे, जो आप हाथ से ऑनलाइन जो भी देते हो, हाथ का इस्तेमाल करते हो, तो परमेश्वर उन हाथों को दृढ़ करने वाला है। हालेलुया। और आपका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में बेकार नहीं जाने वाला। जो दान देते हैं, अब दान हर कोई देता है, परमेश्वर का नवंबर महीने में वो अपनी इस दान का प्रतिफल 100 गुना काटने वाले, उन्नति के साथ, भरपूरी के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। नौवीं जो भविष्यवाणी, जो अद्भुत काम है, वह है जो खो गया था, जो चला गया था, भाग गया था, घर से उजल हो गया था, वो मिलेगा। हालेलुया। खोए हुए लोग वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और 10वीं है आपका व्यवसाय, बिजनेस पे आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। ये 10 अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी है मेरे अजीजों, और आपने नोट करा होगा, एक एक करके नोट कर लेना। ये परमेश्वर का वरदान है जो प्रभु ने दिया है। अब तैयार हो जाइए और परमेश्वर आज आपको छुएगा भी इस भविष्यवाणी के लिए, और आपको हाथ को दृढ़ करेगा। जिस हाथ से आप दान देते हो, परमेश्वर आज उसी हाथ पे आपके लिए आशीष होने लेगा। हालेलुया। ताकि आपका पैसा बेकार ना जाए। आइए हम इस 10 चमत्कारों के लिए, आश्चर्यकर्म के लिए, 10 भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता, तेरा दास रसूल होने के नाते जैसा आपने बोला वैसे मैंने बोला, और जैसा आपने बोला वो उनके जीवन में इसी महीने पूरा होने वाला है, नवंबर महीने में पिता, 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में पिता,
सारे 10 अद्भुत काम ये देखेंगे पिता, और हम सब गवाही सुनेंगे। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस पे ब्लेसिंग करता हूँ पिता, जो आपने 10 बातें बताई, अद्भुत चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी बताई, ये अद्भुत है पिता, और ये ऐसा देख रहे हैं मैं विश्वास करता हूँ। ये उछल उछल के धन्यवाद देंगे, गवाही देंगे, ना कि खुद के गवाही देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रार्थना करता हूँ जितने लोग दान ऑफरिंग करते हैं पिता, अपना हाथ बढ़ाओ, जो लोग ऑफरिंग दान देता है आज इनके हाथ पिता, आप इन्हें हाथों में आशीष भर दो पिता, उन्नति दे दो पिता, चमत्कार देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य में पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले ही प्रार्थना करता हूँ, भर जाए आत्मा से इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। नवंबर महीना इनके लिए अद्भुत भरा हो, आपने सारी ब्लेसिंग दे दी, सारे आशीर्वाद कर दिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आप गवाही दोगे तो दोगे यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।